एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। महेश एवं सुरेश की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। ध्यान रहे, जब भी इस तरीके से दे दिया जाए महेश एवं सुरेश की वर्तमान आयु का योग, योग संबंधित जब भी प्रश्न आए तो उसको आप अलग अलग मानोगे। पहला सवाल सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम महेश, और यहाँ थोड़ी दूर पर लिखेंगे सुरेश। महेश की उम्र को मान लीजिए एक्स, सुरेश की उम्र को मान लीजिए वाई। महेश और सुरेश की उम्र को यदि हम लोग जोड़ दें तो कितना है, 46 वर्ष है। इसे समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। 5 वर्ष पूर्व महेश की आयु सुरेश की आयु की 11 गुनी थी। यानी ये जो महेश जी हैं 5 साल पहले एक्स माइनस पाँच रहे होंगे और सुरेश जी भी वाई माइनस पाँच रहे होंगे। लेकिन कंडीशन क्या था? कंडीशन यहाँ पर है कि आयु सुरेश की आयु की 11 गुनी थी, यानी सुरेश की आयु यही है। इसमें क्या था, 11 का गुना था, तब ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। इसलिए इनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाए हुए हैं। सॉरी, स्क्रीन हिल रही है, इसको मैं रोक देता हूँ। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, एक्स माइनस पाँच इक्वल टू 11 वाई माइनस 11 पच्चे 55। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 11 वाई माइनस 55, ये माइनस पाँच इधर आएगा, प्लस पाँच होगा। यानी एक्स इक्वल टू हो गया, 5 में से 55 घट जाएगा तो -50, 11 वाई माइनस 50। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब यक्ष का यह मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यक्ष की जगह पर हम 11 वाई माइनस 50 रखें यदि, तो होगा 11 वाई माइनस 50 और प्लस वाई बराबर क्या होगा, 46। 11 वाई और वाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 वाई बराबर 50, और 46 जोड़ दिया जाएगा क्योंकि -50 जब इधर जाएगा तो +50 होगा, और इसको 50 में जोड़ा जाएगा तो 50 40 90 96 होगा। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा, 12 से 96 को काटेंगे, 12 बटे 96 8 आएगा। वाई का मान 8 आया, यानी सुरेश क्या हो गया, 8 साल का। अगर समीकरण नंबर 2 में हम वाई का मान पुट करें, 11 का 8 में गुणा करें तो 11 बटे 88 में से 50 घट जाएगा तो कितना आएगा, 38 आएगा। एक्स इक्वल टू वाई का मान 8 हम यहाँ रखेंगे, 11 बटे 88, 88 में से 50 घट जाएगा तो कितना, 38। यानी एक्स की वैल्यू कितना है, 38, वाई का 8। पूछा क्या गया, 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु क्या होगी। सुरेश आज वाई है, वाई का मतलब 8 है, सुरेश कितना है, सुरेश की उम्र 8 साल है। लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु क्या होगी, तो इसमें हम और 5 बढ़ा देंगे तो 8 5 13 वर्ष होगी। तो 13 वर्ष वाला विकल्प अगर देखें तो 13 वर्ष वाला विकल्प यही है, फर्स्ट वाला विकल्प यही सही है। अब इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 को हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, कब एक्स और वाई मानेंगे, कब केवल एक्स मानेंगे, इसमें जरा सा अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा। मोहन की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी है। जब शुरू में ही गुनी वाली बात आ जाए, गुना यानी गुणा वाली बात आ जाए, तो आपको दोनों की उम्र को एक्स के रूप में मानना चाहिए। जब योग और अंतर के रूप में आए तब उनकी उम्र को एक्स और वाई मानना चाहिए। जैसे पहले सवाल में सुरेश महेश एवं सुरेश की वर्तमान आयु का योग 46 था, तो योग संबंधी सवाल में एक्स और वाई दो अक्षर दो अल्फाबेट लेकर के सवाल हल लगाते हैं, और जिसमें शुरू शुरू में गुना दे दिया जाता है उसमें केवल एक ही अक्षर लेते हैं, चाहे एक्स ले लें चाहे वाई ले लें, चाहे कोई भी एक अक्षर ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्स वैल्यू मानेंगे। यहाँ पर मोहन लिख देंगे हम, ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा बैड राइटिंग में लिख रहा हूँ मोहन, और यहाँ पर उसका क्या है, उत्तर है। लिखा, मोहन की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पुत्र यदि यक्ष है तो मोहन कितना है, 7 यक्ष है।
तभी ना 7 गुना हुआ। अब 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 होगा, ये 4 वर्ष बाद 7x+4 होगा, और ये 4x वर्ष बाद x+4 होगा। लेकिन कंडीशन क्या बताया जा रहा है कि उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। 4 साल बाद मोहन भाई इतने वर्ष के हो जाएंगे और इनका बेटा इतने वर्ष का हो जाएगा, लेकिन इनकी उम्रों का योग कितना होगा? 56 वर्ष, =56। तो हम 7 और 1x 8x लिखेंगे, बराबर 56। 4 और 4 8, 8 जाएगा दाहिने पक्ष में तो -8 होगा। 8x=56 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 48 हो जाएगा, और x=48/8, 8 6 48, x का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो गया? 6 वर्ष का हो गया। और ये कितना हो जाएगा? x का मान 6 रख दो यहाँ, तो 7 6 42, यानी मोहन भाई 42 के हैं और उनका बेटा 6 वर्ष का है। ये आज के टाइम में है, ये वर्तमान उम्र है। लेकिन पूछा क्या है? मोहन की वर्तमान उम्र है कितनी है? मोहन की वर्तमान उम्र 7x यानी 42 वर्ष। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मुझे लिखना था पुत्र की वर्तमान उम्र, यहाँ पर रहना चाहिए था पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर x=6 आया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र 6 वर्ष है। यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक हो गया था, तो मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, इसके लिए आगे से ऐसा नहीं करूँगा कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। यहाँ पर था पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र x=6 यानी 6 ईयर, उसका बेटा 6 साल का है। और यदि यही पूछ लेता कि मोहन कितने वर्ष का है, तो आप कहते 42 वर्ष का। और इसी में यदि ये बढ़ा लिया जाता कि मोहन और उसके बेटे की उम्र में अंतर कितने वर्ष का है, तो अंतर मतलब 42 और 6 का अंतर कितना होगा? 42 और 6 का अंतर होगा 36 वर्ष। तो आप जैसा पूछेगा वैसा आप जवाब देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो घंटी वाली बटन को एक बार फिर से आप प्रेस कर दें, ताकि उसके ऊपर दो कामा जैसा निशान बन जाए और आपको हमेशा का हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।